नागा जी, रसोई में आज बनना है मिल्क मैसूर पाक। इसके लिए हमने लिया है 2 कटोरी मिल्क पाउडर, 3 कटोरी चीनी और 1-1 चम्मच बेसन और मैदा। हमने यहाँ पर चीनी डाल दिया है, इससे आधा पानी डाल दिया है। इधर हमने मिल्क पाउडर को एक बर्तन में लेके और ये बेसन और मैदा मिला के अच्छे से मिक्स कर लिया, और इसमें गरम घी 1 कटोरी डाल दिया हमने। इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये लीजिए, ये भी हमारा मिक्स तैयार हो चुका है। उधर हम अपनी चाशनी को भी चेक कर लेते हैं। चीनी घुल के तैयार हो चुकी है, चाशनी अच्छे से बन चुकी है। इसमें हमें कोई तार नहीं लेना है, इसमें हमें बस चाशनी चिपचिपी चाहिए। वो तैयार हो चुकी है। अब हमने जो मिल्क मैसूर पाक के लिए जो घोल तैयार किया है उसको डाल देंगे, मिल्क पाउडर से बनाया था ना वही। इसमें मिक्स करते जाएंगे, चलाते जाएंगे, जिससे इसमें लम्स ना पड़े। अब यहाँ हमने भगोनी में गरम गरम घी रख लिया था, उसको थोड़ा थोड़ा करके मिलाते जाएंगे, चलाते जाएंगे। ऐसे करके हमने करीबन 1 कटोरी घी इसमें डाल दिया है, इसमें से घी रिलीज होने लगा है। अब हम एक ट्रे लेंगे, इस ट्रे में अच्छे से इसको ठंडा कर देंगे, और 2 से 3 घंटे के बाद ये अच्छे से सेट हो चुका है। अब हम इसके पीसेज बना लेंगे। ये लीजिए, मिल्क मैसूर पाक बिल्कुल तैयार है। बहुत ही टेस्टी मैसूर पाक बना है। ये देखिए।